नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका एक बार फिर से स्वागत है विविध दर्शन चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे छोटी की तथा बड़ी की का प्रयोग हिंदी के वाक्यों में कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। दोस्तों, हिंदी में की और की का प्रयोग अलग अलग होता है और अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना गलत होता है, तो हम देखते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। पहले आते हैं हम छोटी की ओर। हमारे पास क्या है? छोटी की, इसको क्या कहते हैं अपन? समुच्च बोधक। इसको क्या कहते हैं हम छोटी की को? समुच्च बोधक। दो वाक्यों को या दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, छोटी की और क्या होती है हिंदी में? समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को या दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं इसके। दो वाक्य हम कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि मैं स्टेशन पर पहुंचा कि गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखिए, यहां पर दो वाक्य हैं। पहला है मैं स्टेशन पर पहुंचा, ये एक साधारण वाक्य है। गाड़ी छूट चुकी थी, ये भी एक साधारण वाक्य है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया काय के कारण, समुच्चय बोधक के कारण, तो वहां पर कौन सा वाक्य, तो वहां पर क्या हो जाता है? छोटी की का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए छोटी की का प्रयोग किया जाता है। वह कितना हंसा कि आंखों से आंसू निकल गए। वह इतना हंसा कि आंखों से आंसू निकल गए। ठीक है, फिर क्या है? ये तो होगा अपना की का, तो देखिए यहां पर ये जुड़ गया। फिर क्या है? अगर एक शिक्षक अपने बच्चों से बोलेगा तो कैसे बोलेगा? मैंने कहा था कि, वापस किया गया है यहां पर, अर्थात यहां पर मैंने कहा था एक साधारण वाक्य है। सभी को विद्यालय आना है, ये भी एक साधारण वाक्य, सभी को विद्यालय आना है। लेकिन दोनों वाक्यों को हमने काहे जोड़ दिया? समुच्चय बोधक से जोड़ दिया, अर्थात छोटी की से जोड़ दिया। तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा? छोटी की का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम बड़ी की ओर। आपको ये समझ में आया? जब दो वाक्यों को अर्थात दो क्रियाओं को समुच्चय बोधक यहां पर क्या है हमारा? ये समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ दिया जाता है, वहां पर छोटी की का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम बड़ी की ओर।
बड़ी भी क्या करती है, संबंध बताने का कार्य करती है। अर्थात ये जो होता है वो क्या करता है, संबंध बताने का कार्य करती है। जैसे कि ये सुमन की किताब है, ये सुमन की किताब है। अर्थात यहां पर क्या हो रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि ये किताब किसकी है, सुमन की, ये राम की माता है, ये राम की माता है। तो यहां पर क्या है, माता और पुत्र का संबंध बताया जा रहा है कैसे, बड़ी की के द्वारा। अब आते हैं हम चारों ओर वसंत की छटा, वसंत की छटा बिखरी हुई है, बिखरी हुई है। तो देखो यहां पर वसंत की छटा अर्थात सुंदरता तथा वसंत को आपस में जोड़ा जाए अर्थात संबंध बताया जा रहा है। अब देखते हैं हम यह है मंगल की बेला है, यह है मंगल की बेला है, मतलब शुभ घड़ी आई है। तो यानी कि यहां पर क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। अर्थात जब हम किसी का संबंध किसी से बताते हैं वहां पर बड़ी की का प्रयोग होता है, और जब हम दो क्रियाओं को अर्थात दो वाक्यों को समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ते हैं वहां पर छोटी की का प्रयोग होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।